कोरोना महामारी ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आर्थिक मंदी के हालात पैदा कर दिए हैं, जिससे निपटने के लिए दुनिया भर की सरकारें अपने अपने स्तर पर कोशिशें कर रही हैं। इस बीच प्रदेश सरकार भी लोगों को आर्थिक मंदी से उभारने के लिए नई नई योजनाएं धरातल पर लागू कर रही हैं, फिर चाहे वो मजदूरों के लिए हो या फिर व्यापारियों के लिए, सभी के लिए किसी न किसी स्तर पर रोजगार को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक व्यवसाय ऐसा भी है जिस पर इस घातक कोरोना महामारी की मार सबसे ज़्यादा पड़ रही है, और हैरानी की बात तो ये है कि इस ओर सरकार का भी ध्यान नहीं जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिला कुल्लू के आर्टिस्ट, डीजे, साउंड सर्विस व लाइट टेंट हाउस कलाकारों का, जो पिछले एक साल से आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के बाद से अब तक ये कलाकार एक बार भी स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, जिसके चलते ये परिवार की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हालात हैं कि यह कलाकार पैसे पैसे के लिए मोहताज हो रहे हैं। ऐसे में कलाकारों ने उपायुक्त कुल्लू के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अपनी समस्याओं से अवगत करवाने के लिए एक ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से कार्यक्रमों को कोरोना नियमों के साथ खोलने की अनुमति दिए जाने की मांग की है, ताकि वे अपना व अपने परिवार का अच्छे से गुजर बसर कर सकें। मेरी माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से अपील है कि हमारे जितने भी कलाकार हैं, यहाँ पे साउंड वाले हैं, टेंट वाले हैं, बहुत से आर्टिस्ट हैं, कैमरा, और तकरीबन 1.5 साल से हम बिल्कुल बेरोज़गार हैं, बिल्कुल फ्री हैं, और कोई हमारा कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है, छोटे से छोटा प्रोग्राम, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री से मेरी विनम्र निवेदन है कि कुछ ना कुछ हम सभी कलाकारों के लिए करें। डीसी साहब को माध्यम से जयराम जी को एक ज्ञापन सौंपा है, और जिसके बारे में हमने चर्चा की है कि हमारे ये कार्यक्रमों को खोलने की अनुमति दी जाए, अन्यथा हम लोग सब सड़कों पर आ चुके हैं और आगे हमें ये कार्यक्रम करने के लिए बहुत परेशानी आ रही है। और मैं चाहता हूँ, सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमारे जो सारे कार्यक्रम, फेस्टिवल वगैरह सारे खुलने वाले हैं, तो इन्हें कृपया खोलने के लिए, चाहे गैदरिंग को कम करके, इस कार्यक्रम को करने की अनुमति दी जाए। मेरे सभी भाई लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जो सभी लोग जो है आज इस चीज़ से जुलझ रहे हैं। इन लोगों का घर का खर्चा, स्टोरों के किराए, गोदामों के किराए, बैंकों के स्टेट इंस्टॉलमेंट्स कहाँ से लेंगे? ये सभी लोग तो हमारी इंस्टॉलमेंट्स लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन हम लोग कहाँ से देंगे कि हमारे कार्यक्रमों को, और ऐसे व्यवस्थित लोगों के लिए सिस्टम को थोड़ा बहुत से तरीके से खोला जाए, ताकि हम लोग भी अपना रोज़गार पा सकें। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से ये अपील करना चाहती हूँ कि हम सभी कलाकार 1.5 साल से बेरोज़गार बैठे हैं, कुछ हमारे बारे में भी सोचें, और ज़्यादा नहीं तो 50% ऑडियंस रखें।